फ्रेंड्स, मैं अनीता अग्निहोत्री अपने चैनल ट्रिपल डिलाइट्स में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे चटनी आलू। पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने हमारे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चटनी आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू। आलू को उबालकर देखिए इस तरह से मैंने इसमें हाथ से ही इसके पीसेस किए हुए हैं, इस तरह से बड़े बड़े। आप चाहें तो छुरी से भी इसके पीसेस कर सकते हैं। यहाँ हरी धनिया और हरी मिर्च को हमने पीस के रखा हुआ है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आप चाहें तो हरी धनिया और हरी मिर्च जब पीसेंगे तो आप साथ में नमक डाल सकते हैं, वरना आप बाद में भी जब हम इसको बनाएंगे तब भी आप नमक का यूज कर सकते हैं। नमक लिया हुआ है, हल्दी पाउडर, खटाई या अमचूर पाउडर हम इसको बोल सकते हैं, जीरा, हींग, थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने और यहाँ पे थोड़ा सा पानी। तो आइए शुरू करते हैं चटनी आलू बनाना। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। बहुत ज्यादा ऑयल डालने की भी जरूरत नहीं है। अब इस ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले इसमें ये हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद में जो हमने हींग ली हुई थी हींग हम इसमें ऐड कर देंगे और एक चौथाई चम्मच के करीब हम हल्दी डालेंगे। उसके बाद में जो ये आलू हमने लिए थे ये हम इसमें डाल देंगे। आलू डालने के बाद में एक बार मिला लेंगे इसको पहले। देखिए अब जो हमने हरी धनिया और हरी मिर्चा पीस कर चटनी बनाई हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चा के लिए फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगी कि आप जितना तीखा पसंद करते हैं, अब जैसे मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्च पीसे थे तो आप अपना जितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। देखिए बाउल में जैसे हल्का सा इसमें लगी हुई है चटनी, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे। इस तरह से ये सारी चटनी हम इसमें से निकाल देंगे। इसको एक बार चला देंगे अच्छे से। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना है। अब इसको तेज गैस पे हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में इसको ये पक के रेडी हो जाएगा। तो जो हमने धनिया पीसी हुई है अभी धनिया और हरी मिर्च, तो उसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा, एकदम अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए इसको इस तरह से हम चलाते रहेंगे बीच में। 5 मिनट हो गए हैं तो लगभग ये चटनी आलू पक चुके हैं। अब हम गैस को धीमा करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी खटाई डालेंगे या अमचूर पाउडर भी बोल सकते हैं। एक बार फिर इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये फ्रेंड्स चटनी आलू अब रेडी है। अब हम इनको सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म चटनी आलू रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।